नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अभी हम लोग प्रयागराज के सैदाबाद रेलवे स्टेशन पर हैं। दोस्तों आज हम आपको सैदाबाद रेलवे स्टेशन का पूरा व्यू कराएंगे। दोस्तों सैदाबाद रेलवे स्टेशन जो प्रयागराज रामबाग से वाराणसी वाला रूट है, इसी के बीच में पड़ता है। जैसे आप रामबाग चलेंगे झूसी, उसके बाद रामनाथपुर, उसके बाद सैदाबाद पड़ता है, इसके आगे दोस्तों हड़िया पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग सैदाबाद में हैं। दोस्तों यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो रामबाग से सुबह में चलती है 6 पे यहाँ पे मिल जाती है, एक पैसेंजर है जो बनारस साइड जाती है, और उधर से लगभग 8-9-10 बजे बनारस तरफ से एक ट्रेन आती है। फिर यहाँ से दोस्तों 11-11.30 बजे एक ट्रेन यहाँ पे मिलती है पैसेंजर बनारस के लिए। फिर दोपहर मिलती है, फिर वही शाम को मिलती है। बस यही सब 5-6 गाड़ियों का ठहराव है सुबह दोपहर शाम, जो भी की पैसेंजर गाड़ियाँ हैं बनारस के लिए, मऊ के लिए, यही सब रुकती हैं। दोस्तों जो कि यहाँ पे 2 प्लेटफार्म है, और इस प्लेटफार्म का भी दोस्तों इस स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट अभी किया गया है पिछले साल। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको कि सैदाबाद रेलवे स्टेशन किस प्रकार से बना है। देखिए ये आगे सैदाबाद मार्केट में ये रोड चला जाता है, तो आइए दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, आइए दिखाते हैं। दोस्तों ये है सैदाबाद रेलवे स्टेशन, और ये जो कि 2 प्लेटफार्म है। बगल में देखिए इधर, यहाँ से लगभग 0.5 किलोमीटर सैदाबाद मार्केट चले जाएंगे, जो वाराणसी प्रयागराज हाईवे है उसी में कनेक्ट हो रहा है। वहीं पे साधन आपको मिल जाएगा यहाँ से अगर उतरें तो। अगर मान लीजिए कभी आप उतर जाते हैं, यहाँ से आपको प्रयागराज सिटी जाना हुआ, तो मान लीजिए अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप लोग चले जाइए वहीं पे, अगर सैदाबाद अंदर मार्केट में वहीं पे आपको बस मिल जाएगा, चाहे बनारस जाए चाहे आप प्रयागराज जाए। देखिए हम लोग 2 प्लेटफार्म पर अभी चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वाइट सब लगा हुआ है, और ये 2 लाइनें हैं, और एक प्लेटफार्म वो वाला है दोस्तों उधर का, और इसके बगल बगल दोस्तों रोड गया है वहाँ पे प्लेटफार्म के पास। देखिए ये ऑफिस है, टिकट घर है, उस तरह से गेट है, गेट लगा हुआ है, उधर से अंदर एंट्री करिए, वहाँ पे प्लेटफार्म टिकट मिलेगा और ट्रेन का भी टिकट मिलेगा यहाँ पे, लोकल ट्रेनों का। देखिए ये बना हुआ है बैठने उठने के लिए, देख पा रहे हैं इस प्रकार से बना हुआ है, अभी नया हाल ही में बना है, और उस साइड 1 है, और जो कि दोस्तों हैंडपम्प भी यहाँ पे लगा हुआ है पानी पीने वगैरह के लिए। और इधर आसपास देखिए घर बने हुए हैं सब, और ये सामने एक महिला पुरुष बाथरूम भी बना हुआ है यहाँ पे। काफ़ी दोस्तों यहाँ पे खूबसूरत लग रहा है, खुला हुआ है, और जो कि हवा लग रहा है ठंडा ठंडा। और हम लोग आ गए हैं ऑफिस के पास, जहाँ पे टिकट घर वगैरह है, ये देख लीजिए। और 1 पे ही दोस्तों है थोड़ा सा बैठने उठने के लिए, 2 पे तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ छावनी वगैरह नहीं, छोटे छोटे यही बने हैं 2 पर, और स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। और यहाँ पे आते हैं दोस्तों उस साइड, आपको बाइक वाइक खड़ी करने के लिए देखिए पार्किंग है वहाँ पे, वहाँ बाइक खड़ी कर सकते हैं आप लोग, फिर यहाँ पे अंदर एंट्री कर लीजिए। मान लीजिए कभी आप बाइक से आए तो आप लोग यहाँ आ जाइएगा। ये देखिए हम लोग आ गए पास में, सीधे दोस्तों रेल लाइन जा रही है यहाँ से, लगभग 3-4 किलोमीटर है हड़िया आगे अगला स्टेशन, और बैक साइड में रामनाथपुर है। देखिए सब यहाँ पे बंद है, सन्नाटा है, सभी सब देखिए सभी ऑफिस बंद है यहाँ पे। हमारे ख्याल से टिकट काउंटर वाला खुला है बस, जो कि ये गोरखपुर के अंतर्गत आता है। देखिए यात्री बैठे हुए हैं ट्रेन का इंतजार करने के लिए, वेट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी देखिए एक हैंडपम्प इधर और लगा हुआ है, दूसरा हैंडपम्प, और इधर भी बाथरूम शौचालय है लेकिन दरवाजा नहीं है इसमें, ये देखिए। ये हम लोग आ गए, यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है सैदाबाद का, ये देखिए। ये आगे यहाँ पे लास्ट शोर है इधर प्लेटफार्म का, आइए अब चलते हैं 1 पे। ये हम लोग आ गए 1 पे इधर,
यहाँ से हडिया 7.54 मान लीजिए 7.5 किलोमीटर है। देखिए ये सैदाबाद लिखा हुआ है और यहाँ पे इधर बैठने के लिए है, इधर इस साइड, ये इस साइड है। ठीक बताओ तो घर नहीं जाते तो यहीं है रुका है बताओ। अरे और जो कि अभी प्रयागराज रामबाग वाली गाड़ी आ रही है बनारस के लिए जा रही है, ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों अब वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।